सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो मैंने छोटे सा इसको मतलब बहुत कंसाइज करके मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हैं, किताब में काफ़ी बड़ी हैं, फिर किताब में देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी डेफिनेशन मिल जाएंगी। फिलहाल कॉन्सेप्ट बेस मैंने इसके अंदर कुछ टाइप किया है। जैसे इट इज़ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जिससे हमें जाहिर होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर की टाइप होती है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम सीख रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, जो भी सीखा हमने, विंडोज़ वगैरह, ये भी सॉफ्टवेयर थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सब। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। सही, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आगे, वी कैन क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिनको यूज करके हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्रिएट भी कर सकते हैं या उनको डेवलप भी कर सकते हैं। तो पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग की तरफ। तो प्रोग्रामिंग जो है उसे हम कहते हैं इट इज अ टेक्निक टू क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट इज अ टेक्निक टू क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, गेम्स एंड सो ऑन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब हम ये सारी चीजें क्या प्रोग्रामिंग से बना सकते हैं। हम यू भी कह सकते हैं इट इज टेक्निक या इट इज स्किल टू क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, गेम्स एंड सो ऑन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम इतने किस्म के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो सारे सॉफ्टवेयर आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, वेब ब्राउजर भी आ गए, मीडिया प्लेयर भी आ गए, वेबसाइट्स भी आ गई, मोबाइल एप्स भी आ गई, गेम्स भी आ गए। मतलब ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हम प्रोग्रामिंग एक स्किल है, अगर वो हमें आती हो तो हम इनमें से कोई ना कोई चीज़ बनाने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। और यही कंप्यूटर का फ्यूचर है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना के उनको सेल करेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आप देखा जाए तो दुनिया में काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इस टाइम यूज़ हो रही हैं, लेकिन सी और सी प्लस प्लस ये स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस इसलिए कंसिडर की जाती है कि ISO सर्टिफाइड है और तमाम यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे जब प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं तो प्रोग्रामिंग सीखने की गर्ज से वो सी और सी प्लस प्लस का इस्तेमाल सिखाया जाता है, जिसमें सी थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है और ये एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 70s और ये 80s में रिलीज हुआ, 70s में, और उसका नया वर्जन 80s में रिलीज हुआ। इसके आगे सी शार्प, फिर PHP और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर है आजकल हर जगह पे ज्यादातर सी को कम कंसीडर किया जा रहा है, सी प्लस प्लस को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ज्यादा पढ़ रहे हैं लोग बात, क्योंकि इसमें लैंग्वेज फीचर ज्यादा है। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और अब यही क्यों सीखे, पाइथन क्यों ना सीखे, जावा क्यों ना सीखें। देखिए इंडस्ट्री में जब आप किसी सॉफ्टवेयर की इंजीनियर कर लेते हैं डिग्री या किसी सॉफ्टवेयर की जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स का जब टेस्ट लेते हैं तो उसके स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड अब तक दो हैं, या तो वो आपकी C++ का टेस्ट लेंगे, प्रोग्रामिंग स्किल्स उस पर चेक करेंगे, या आपका जावा पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जैसे अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए जा रहे हैं कंपनी में जो मोबाइल के गेम बना रही है, मोबाइल के ऐप बना रही है, वेब एप्लीकेशन बना रही है, तो वो आपकी टेस्टिंग कर लेते हैं जावा के ऊपर, कहते हैं कि भाई जावा सीख कर आएं। और अगर कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हैं कि भाई जिसमें वो कोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या किसी यानी कि अलग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, तो वो आपका सी प्लस प्लस का टेस्ट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो किसी और लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं तो वो आपको मौका देंगे कि आप इनको सीखें, करें काम आगे, इस तरह से आपको फिर वो ले चलते हैं। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स चेक करने की बात की जाए तो सी प्लस प्लस और जावा में से किसी कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में पाइथन भी इन हो जाएगा तो मशीन लर्निंग के तरफ जाएगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पाथ अलग है। सी प्लस प्लस के अंदर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका पाथ अलग है, अगर जावा की प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसका करियर पाथ अलग है, और अगर पाइथन पे काम करेंगे तो उसका करियर पाथ अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही होती है। तो इसमें हम सीखेंगे कोर प्रोग्रामिंग के कैसे प्रोग्राम किया जाता है, हाउ टू कोड, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचर जो हमें मिल रहे हैं, मैंने बता दी कि सी एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्रोग्रामिंग मेथड दो तरह के हम यूज कोड करते हैं, मतलब जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसमें दो मेथड तरीके से यूज करते हैं। वी कैन कोड बाय टू मेथड्स, एक है लीनियर फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि अब तक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दुनिया में, जो दो तरीके से प्रोग्रामिंग की जा रही है, एक लीनियर और फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्राम किस तरह से करना है, कैसे शुरू करेंगे हम इसके अंदर, तो रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर। सबसे पहले पास आपके पास एक आईडीई होना चाहिए। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब समझे कि एक पूरा सॉफ्टवेयर है। इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच कंटेंट टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर। इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी होता है जिसमें आप कोड लिखेंगे और कंपाइलर भी होता है। अब कंपाइलर क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं, विच हेल्प अस टू राइट एंड टेस्ट कोड, जो हमें हेल्प कर रहा होता है कोड लिखने में और उसको टेस्ट करने में। ठीक है, कौन? आईडीई। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के आईडीई हैं और आने वाले वक्तों में हर दौर में ये चेंज होते रहते हैं। मतलब पहले हम पुराना वाला कंपाइलर यूज करते थे, फिर डेव C++ आ गया, फिर ब्लॉक आ गया, फिर विजुअल कोड आ गया, तो ये आते रहते हैं। लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज फीचर सेम ही होते हैं, लैंग्वेज वो इंस्टॉल होती है, इंटरफेस चेंज हो जाते हैं, वो कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब चलते हैं आगे कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कंटेंट ऑल प्रोग्रामिंग कोड एंड सेंटेक्सेस। अब प्रोग्रामिंग कोड यानी कि जो उसके फंक्शंस है वो इसके पास होते हैं, और सिंटैक्स है उनके लिखने की, सही ग्रामर प्रॉपरली वो भी होती है इसके पास। इट हेल्प अस टू राइट प्रॉपर कोड, ये हमें मदद करता है कि सही तरह कोड लिखने में, सप्लाई करने में कंप्यूटर को। इन केस वी विल मेक एनी मिस्टेक इन टाइपिंग कोड, इट विल प्रॉम्प्ट अस बाय एरर। यानी कि अगर हम कोई गलती करेंगे, कोड वगैरह गलत लिखेंगे, तो वो हमें एरर के जरिए कहेगा कि भाई इसको सही कर लो। बेसिकली कंपाइलर एक बीच का सॉफ्टवेयर है, एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर इंटरप्रेटर इनको मीनिंग होती है ट्रांसलेट करने की। तो ये एक ट्रांसलेटर है, यानी कि मशीन जो लैंग्वेज समझती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, और इंसान जो लैंग्वेज समझते हैं वो कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, उर्दू, सिंधी वगैरह हम बोल रहे होते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज हमें नहीं आती, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं आती, तो इसके बीच की जो गैप को फिल करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई, जिसको हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, ये मिड लेवल लैंग्वेज का काम कर रही है। इसके कोड को इस तरह बनाया गया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज लिखें, जबकि वो इंग्लिश के अल्फाज है नहीं, लेकिन लुक लाइक इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, और उसके हर कोड के बिहाइंड इतना कोड कर दिया गया बाइनरी कोड में कि अगर ये कोड लिखेंगे तो वो पूरी इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर के पास जाएगी, ये काम करना है। माइक्रोप्रोसेसर को वो इंस्ट्रक्शन 0 और 1 बाइनरी कोड में जाएगी, जबकि हम वो कोड उसके फंक्शन को समझ के लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो मामला है वो थोड़ा सेट रहेगा, हम इजी प्रोग्रामिंग कर लेंगे, माइक्रोप्रोसेसर को वैसे समझेगा। तो ये बीच का गैप फिल कर रहा है C++। अब C++ का पूरा प्रोग्रामिंग कोड कंपाइलर में डाल रखा है कि जैसे हम कोई कोड गलत लिखेंगे तो कंपाइलर चेक करेगा मेरे पास ये कोड नहीं है, वो हमें एरर के जरिए समझाएगा। अब एरर की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो किस तरह के एरर देगा वो हम फिर प्रैक्टिकल में इसको करते जाएंगे। अब कंपाइलर क्या काम करता है, मैंने अभी समझाया। कंपाइलर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग कोड टू मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। C एंड C++ बोथ आर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। केस सेंसिटिव का भी वर्ड जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आ जाए, इसका मतलब आप समझ जाएं कि अगर उसका कोई भी कोड फंक्शन जो लिखा जाना है, अगर वो स्मॉल लेटर्स में है तो आपने स्मॉल में ही टाइप करना है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही टाइप करना है। मतलब यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल की दो अलग अलग मीनिंग निकल आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको होशियार रहना है और इन्फॉर्म रहना है कि अगर आप गलती कर रहे हैं, जैसे कोई कोड है प्रिंट और वो प्रिंट आपने कैपिटल में लिख दिया है तो वो उसको नहीं पता चलेगा आपने क्या लिखा है, वो एरर देता रहेगा उसके ऊपर। तो इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है केस सेंसिटिव। फिर आगे चलते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, आर द रिजर्व वर्ड्स लाइक इंग्लिश वर्ड्स बट इट हैज सम एक्शंस। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड्स हैं उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। अब वो जो कमांड्स हैं उनके मुख्तलिफ नाम हैं, उनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, और वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के वर्ड की तरह होते हैं, जिनके कोई ना कोई एक्शंस होते हैं, जिनको हम सीखेंगे कैसे लिखना है, कैसे टाइप करना है। ठीक है, इस निशान को हम कहते हैं सेमी कॉलन, यानी कि सिंबल्स के तौर पर इसका नाम है सेमी कॉलन, जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब ये इज इक्वल टू फुल स्टॉप। टर्मिनेटर मतलब जहां पे आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया वहां पे आपको ये लाजमी लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा प्रोग्राम में। स्टेटमेंट क्या होती है, अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट लाइक सी आउट। अब ये एक कोड लिख के दिखाया गया है कि कोई भी एक लाइन का कोड आप जब लिखेंगे तो वो एक स्टेटमेंट कहलाएगी, और वो पता कैसे चलेगा एक लाइन का कोड कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड में लाजमी आएगा। ये एक सेंटेंस है, जैसे शी इज अ गर्ल फुल स्टॉप एक सेंटेंस है, ऐसे ये एक कोड है जिसकी कोई मीनिंग है, जब ये परफॉर्म होगा तो देखेंगे क्या है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमें डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, सोर्स फाइल क्या होती है, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जितनी भी आप यूज करेंगे, आप यूज करें C, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट वगैरह, इनमें दो तरह की फाइल्स क्रिएट होंगी। एक होगी सोर्स फाइल। व्हाट इज सोर्स फाइल,
सोर्स फाइल होती है, इट इज ओरिजिनल प्रोग्रामिंग फाइल विच हैज कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर और डेवलपर, यानी कि जो उस प्रोग्राम की रेसिपी है, पूरा सोर्स सिक है, जो किस तरह से वो प्रोग्राम काम करेगा उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल, जिसमें हमने वो पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के कोई लॉजिक बना के उस प्रोग्रामिंग कोड को लिखा है, जो वो उस प्रोग्राम का सीक्रेट है जो वो परफॉर्म हो रहा है. मतलब एक प्रोग्राम है सपोज टू बी नोटपैड, नोटपैड ये फाइनेस्ट शेप है उस सॉफ्टवेयर की जो लिखा गया है. जो लिखा गया है वो तो सॉफ्टवेयर था, प्रोग्राम था, उसकी जो फाइनेस्ट शेप आई है कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है वो ये है. तो हम देख रहे हैं उसकी फाइनेस्ट शेप, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल. कौन सी फाइल? एग्जीक्यूटेबल फाइल. और जो इसका कोड लिखा होगा जो हमें नहीं दिख रहा वो कहलाता है सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग कोड. यानी कि एक कोई भी बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर, छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर, जैसे नोटपैड की मैंने एग्जांपल ली, कैलकुलेटर की मिसाल ली, विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इन सबके सोर्स कोड होंगे जो इनकी कंपनीज के पास रिजर्व होंगे. वो हमें नहीं देते. अगर वो हमें देंगे तो हम उसको अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत है. वो ऑलवेज उसकी एक एग्जी फाइल हमें देते हैं जो सिर्फ ऑपरेटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसको हम चलाते हैं, हम उसको खरीदते हैं. तो इस तरह सोर्स फाइल वो होती है जिसमें हमारा प्रोग्रामिंग कोड लिखा हुआ होता है और ये इसमें प्रोग्रामर इसमें कोड लिखता है. ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? इट इज अ डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स फाइल. इट डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स फाइल एंड इट परफॉर्म्स फंक्शंस एंड एक्शंस. जैसे नोटपैड खोला ना, ये एग्जी फाइल है. जिसने भी नोटपैड को बनाया उसने जो उसका सोर्स कोड था अपने पास रख लिया, नोटपैड हमें सेल कर दिया, बस हम नोटपैड चलाएंगे, उससे अपना एक्शन लेंगे. कोई गेम हमने खरीदा तो उसने सोर्स कोड अपने पास रख लिया, गेम हमें दे दिया, हम खेलेंगे, यूज करेंगे, लेकिन हम उससे कोई चीज डेवलप नहीं कर सकते. मतलब हम कोई नया प्रोग्राम अपने नाम से उससे ही बना के कोई नहीं दे सकते. तो सोर्स फाइल इंपॉर्टेंट फाइल होती है और एग्जी फाइल वो फाइल होती है जो इसको हम कहते हैं यूजर कॉपी और इसको कहते हैं प्रोग्रामर कॉपी. यूजर कॉपी, प्रोग्रामर कॉपी, यूजर को हमेशा एग्जी फाइल ही मिलती है. ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसमें स्ट्रिंग्स क्या होते हैं. स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, लेटर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स, वैल्यूज, होल नंबर्स, डेसिमल, इनको इंटीजर्स कहते हैं. नंबर्स, ठीक है, नंबर्स. नंबर्स में प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, अमाउंट आ गया, ये कैलकुलेटेड नंबर है. ठीक है ना, ठीक है. वैल्यू, वैल्यू क्या होती है इसके अंदर? वेरिएबल आ गया, लैंग्वेज आ गया, प्रोग्रामिंग. अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी स्टोर वैल्यू, वेरिएबल. अच्छा ठीक है, अब ये हम सेकंड क्लास में करेंगे, अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ तक. तो अभी देखते हैं कि अब हम एक पहला प्रोग्रामिंग फाइल कैसे बनाएंगे. ठीक है, और उसको बना के सेव कैसे करेंगे और उससे किस तरह से काम लेंगे, क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, ये देखते हैं. तो अभी हम जो अभी फिलहाल मैं जिस पे बता रहा हूँ वो आप देख लें और फिर आपको आगे चल के दूसरे कंपाइलर पे भी बताऊंगा, एडिटर पे भी बताऊंगा. तो अभी आप देखें, हमें ये एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, Dev C++. इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसकी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर लें. जैसे आप गूगल पे लिखेंगे गूगल और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे Dev C++ डाउनलोड और इसको एंटर करेंगे और यहाँ एंटर करने पर आपको ये दिखाई देगा. क्लिक करेंगे इसके ऊपर और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑन हो जाएगा. यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें. ठीक है, जैसे डाउनलोड होगा तो इसकी फाइल पर डबल क्लिक करके इसकी फाइल कुछ इस तरह से आपके पास डाउनलोड हो जाएगी. उस पर डाउनलोड पर डबल क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लें. इस तरह से आ जाएगा आपके पास ये. एक मिनट दिखा रहा हूँ. ये देखिए इस तरह से आ जाएगा. फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और यस करेंगे. इसको ओके करेंगे.
बस इसके बाद एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, खुद ही इंस्टॉल होगा, लास्ट में फिनिश का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही फिनिश का ऑप्शन आएगा तो आपने इसको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको शुरू करें, ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आपने लोड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो दूसरा एक और कंपाइलर है उसमें भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं, फिर जो भी सूटेबल उस पर आप प्रोग्रामिंग कोड हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको लोड कर लेना है। अब लोड करने के बाद हमें अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें मैं ये फाइल्स को सेव करूंगा। तो मैंने यहाँ C++ के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जाके एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ ब्लॉसम, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी फाइल्स को सेव करूंगा। तो यहाँ से खोल लेता हूँ उसको, यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको खोल लेता हूँ, फाइल में जाऊँगा, यहाँ से न्यू करूँगा, सोर्स फाइल पे क्लिक करूँगा, ये एक न्यू सोर्स फाइल हमें दे देगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ बेसिक कोड लिखना है, उस बेसिक कोड को हम कहते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? अच्छा, वो क्या लिखना है? ऐसे लिखना है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्मॉल लेटर्स में इंट मेन स्टार्ट एन ओवर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एन ओवर और यहां लिखेंगे रिटर्न जीरो, दैट्स ऑल। और ये आपने सप्लाई करना है, इसे हम कहते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हम यू कह सकते हैं कि कोई भी काम करने से पहले की जो प्रिपरेशन है, भाई मिसाल के तौर पे हमें बाइक या कार चलानी फॉर एग्जांपल, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे, भाई मिसाल के पहले ड्रेस देख लेंगे अपना, फिर गाड़ी देख लेंगे, उसका इंजन टायर्स वगैरह सब चेक कर लेंगे, फिर उसको बैठेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, एंड देन जब इंजन गर्म हो जाएगा फिर उसको गियर में डालेंगे, स्पीड में डालेंगे, तो वो सारी उसकी प्रिपरेशन है उसको ऑपरेट करने की। तो कोई भी प्रोग्रामिंग जब आप फाइल बनाएंगे, कोड लिखेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले आप ये इसका बेसिक प्रोग्रामिंग कोड लाजमी लिखेंगे। जब ये आप कोड लिखेंगे तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये एक हेडर फाइल है, इसको हम कह रहे हैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड करो, कौन सी फाइल? आई स्ट्रीम को। आई स्ट्रीम में कुछ फंक्शंस हैं जो हमने इस प्रोग्राम में ऐड करा रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं ताकि हमें बार बार एसटीडी ना लिखना पड़े। फिर हम कह रहे हैं कि ये मेन फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस फंक्शन के दो राउंड ब्रैकेट्स हैं, ये इसकी बॉडी एरिया है, और इसको करेंगे रिटर्न जीरो, मतलब जब ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ प्रोग्राम हमारा सही चलेगा तो ये रिटर्न कर देगा जीरो, इट मीन्स के ओके, ये प्रोग्रामिंग कोड बिल्कुल सही है। ये लिखने के बाद आपने कंट्रोल एस करके सेव करना है फाइल को और अपने उस फोल्डर में जाके सेव कर देना है। हम इसका नाम रखते हैं क्लास 01 इंट्रोडक्शन। ये हमारी एक फाइल सेव हो गई। C++ की जो फाइल सेव होती है हमारी, उसकी जो टाइप होती है CPP होती है। क्या होती है? .cpp, ये सोर्स फाइल कहलाती है और ये ऑलवेज इसके अंदर खुलेगी। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब ये आपने लिखने के बाद चेक करना है क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। गलती करने के लिए अपने कोड को करना है कंपाइल। क्या करना है? कंपाइल करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई गलती नहीं बताएगा, तो यहाँ पर आपको ये बताएगा ओके, सही है, कंपाइल टाइम सही है, बिल्कुल ओके, इसमें कोई गलती नहीं है, वार्निंग भी जीरो, एरर भी जीरो है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। अब सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे अपने प्रोग्राम पर कि भाई वो हमें दिखाया, जैसे हमने लिखा सी आउट, ये फंक्शन है, इसको ऐसे ही लिखना है, लेस देन ये इसका पार्ट है, ठीक है, ठीक है, इनको हम डायरेक्शंस कहते हैं, लेस देन स्पेस, चूंकि हमें एक मैसेज दिखाना है, मैसेज होता है करेक्टर्स में, उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स, वर्ड्स, लेटर्स वगैरह, ऑलवेज टाइप होंगे डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स लगाने, और स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एक टर्मिनेटर लगाना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पर इस तरह से। अब क्या मैसेज दिखाना है वो इस डबल कोट में दिखाना है, ठीक है ना, ये प्रोग्राम का कोड है, ये नजर नहीं आएगा, जो मैसेज इसमें लिखेंगे वो नजर आएगा। जैसे हमने लिखा हेलो ब्लॉसम्स, ठीक है, और लिखने के बाद हमने कंट्रोल एस किया, फिर से अपने प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल किया तो हमारे प्रोग्राम ने कोई एरर नहीं जनरेट किया। अच्छा, अब एरर जनरेट करेगा कैसे? ये मैंने हटा दिया और अब कंपाइल किया तो देखिए एरर जनरेट करेगा, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, रिटर्न से पहले एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे कॉलन, ये लाइन नंबर 9 पर, लाइन नंबर 9 पर रिटर्न लिखा हुआ है और यहाँ पे इससे पहले, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन। और अब देखें, मैं कंपाइल करता हूँ कोड को, सही है। अब अपने प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे? जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो वो एग्जी फाइल हमें एक ब्लैक स्क्रीन पर नजर आएगी, ये रन, ये रन, ये हमारा प्रोग्राम रन होके बता रहा है।
ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है आउटपुट का, ये इसके खुद के साथ की एसोसिएशन है, ये हमने लाइन जो लिखी थी वो यहाँ पे आउटपुट पर आ गई, ठीक है। ये छोटा सा जो प्रोग्राम बना है ये हमने खुद बनाया है, ये इसका आउटपुट है और ये इसकी सोर्स फाइल है, ठीक है। दोबारा कंपाइल करेंगे और दोबारा से रन करेंगे, कंपाइल एंड रन, ये रन हो गया, ये इसका आउटपुट आ रहा है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, देखिए बता रहा है .exe इसकी टाइप है, और जब इसको आप प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे तो इससे एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगी ये फाइल और सोर्स फाइल आपको यहाँ पे दोबारा से दस्तियाब होगी। हाँ, ऐसे नहीं करना आपने, इसके चलते दौरान आपने यहाँ पे से सोर्स फाइल लेके कोड नहीं करना, पहले आपने इसको क्लोज करना है प्रॉपरली फिर कोड करना है। अब कोई भी बटन दबाएंगे क्लोज हो जाएगा, सी आउट लेस देन और यहाँ पे हमने लिखा, सपोज अगर आप ग्रेटर देन लगा देंगे तो देखें फिर आपको एरर देगा ये। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस वी आर लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये लिखने के बाद कंट्रोल एस किया, कंपाइल किया कोड को यहाँ पे जैसे ही, तो ये एरर देगा हमें, कह रहा है मुख्तलिफ किस्म के एरर दे रही है, 7 नंबर लाइन पे कोई मसला है, अब उसको समझें, क्या कैंडिडेट्स आर कैरेक्टर्स, पता नहीं क्या क्या समझा रहा है ये, इतना सारा एरर दे दिया इसने। तो अब यहाँ पे अपने जहन का इस्तेमाल करना है, ये ग्रेटर देन हटा के लेस देन लगा देना है, और जैसे आप कंपाइल करेंगे कोड को और यहाँ से रन करेंगे तो पहली लाइन प्रिंट हो रही थी और अगली लाइन उसी के साथ इसने यहाँ प्रिंट कर दी। ये हमारे जो प्रोग्राम की स्क्रीन हमें मिली है, ये कमांड लाइन स्क्रीन है जिसमें 80 लेटर्स एक लाइन में आ सकते हैं और एक वक्त में 24 लाइंस यहाँ पे प्रिंट हो सकती है, तो बाहर आ जाते हैं। अब इनमें लाइन गैप देने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में एक और कमांड लिखेंगे लेस देन एंड लाइन की, इससे एक लाइन का गैप दोनों लाइन्स के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप दो लाइन का गैप चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से कॉपी कर लें, उसी को दोबारा पेस्ट कर दें और फिर से आप इसको रन कर लें। अच्छा, मैं कंपाइल कर रहा हूँ फिर रन कर रहा हूँ, इन दोनों की एक ही कमांड भी है, कंपाइल एंड रन, और इसकी शॉर्ट की भी आगे लिखी हुई है F11, ये कंपाइल भी करेगा और रन भी कर देगा, सही है। अगर कोई नंबर वैल्यूज भी दिखानी है एज ए स्ट्रिंग के तौर पर तो आप सी आउट लिखेंगे लेस देन, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं इसका इसके अंदर दिखा दें, सेमीकोलन कर दें और यहाँ पे सी आउट लेस देन एंड लाइन लगा दें और यहाँ से F11 दबाएं तो डायरेक्टली ये इस तरह से नंबर कर देगा, ठीक है। अगर आप कोई इंटीजर होल नंबर डायरेक्ट दिखाना चाह रहे हैं तो सी आउट लेस देन और वो डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, सपोज 2000 या 20,000, सेमी कॉलन करेंगे, रन करेंगे, तो इसमें देखें एक ज़्यादा आ गया था, सेमी कॉलन करेंगे, F11 करेंगे तो उसी के साथ एसोसिएट कर दिया। अगर आप इससे पहले कोई लिखना चाह रहे हैं मैसेज, एंड लाइन कर लें इसको पहले, और उसके बाद अगर आप इसको इसके साथ कोई मैसेज लिखना चाह रहे हैं तो नंबर लिख दें, सेवर रिटेल प्राइस इस तरह से, ठीक है, स्पेस यहाँ पे ऐड कर दें, 20,000 के साथ आ रहा है। C++ डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा आपकी, कैसे करेगा, ये मैंने 20,000 लिखा है, अगर मैं इसके आगे प्लस 500 कर दूंगा तो ये इसको डायरेक्टली प्ले करे, ठीक है। लेकिन जब आप डबल कोट्स में कुछ ऐसी वैल्यूज लिखेंगे उनको प्लस नहीं करेगा बल्कि उनको एज इट इज शो करेगा, ठीक है। तो C++ कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, मतलब आप कोई भी इसको प्रॉब्लम देंगे ये इसको सॉल्व कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सपोज टू बी 5000 इनटू 5 और असाइनमेंट लगाया और छोड़ दिया हमें, ठीक है। फिर सी आउट लेस देन और मैंने यहाँ पे लिखा 5000 इनटू डायरेक्टली 5, तो ये इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देगा, ठीक है। न्यू लाइन की जरूरत है तो यहाँ पे न्यू लाइन देंगे हम इसको, ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। तो इस तरह से आपने अपना आज पहला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। अब अपनी फाइल को अगर बंद भी कर दें तो आप देखेंगे इसी फोल्डर में जहां आपकी ये सोर्स फाइल सेव हुई थी उसके बराबर में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी सेव हो गई है जिसको डायरेक्टली चलाने पर रन हो रही है लेकिन वो जल्दी से क्लोज हो जाती है। वजह, अब हम उसकी सोर्स फाइल को खोलेंगे, वजह ये है कि जब वो प्रोग्राम चला देता है तो उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं है, तो रुकने की कमांड देंगे सिस्टम और उसके अंदर लिखेंगे डबल कोट्स में पास। अब हम इसको एक दफा कंपाइल करके रन करेंगे, हो गया। अब हम अपनी सोर्स फाइल को बंद करेंगे और जो एग्जी फाइल है उसको डायरेक्टली रन करने की कोशिश करेंगे तो अब वो स्टे करेगा। इसको यहां से राइट बटन दबा के प्रॉपर्टीज में चले जाएं, थोड़ा फॉन्ट साइज इंप्रूव करके देख लें, स्टे करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप कोई बटन नहीं दबा देते। जैसे ही बटन दबाएंगे, ये फाइल आप किसी को भी देंगे उसको ये नहीं पता पड़ेगा कि इस फाइल के पीछे क्या कोड है,
कोड इस फाइल में है, दिस इज सोर्स फाइल, दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये खुद से क्रिएट होगी जब आप इस पर कंपाइल करके रन करेंगे।